गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन, आज मैं आपके लिए रिवीजन टेस्ट लेकर आई हूँ। क्लास है हमारी थर्ड, सब्जेक्ट है हिंदी और चैप्टर है 11, टॉपिक है सरदार पटेल। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया भी था, ठीक है। अंक हैं इसके बेटे 10, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने टेस्ट के हैं? 10। तो पहला प्रश्न है हमारा बच्चों शब्द अर्थ, शब्दों के अर्थ लिखो। टेस्ट भलाई, ठीक है, ये 2 नंबर का है। प्रश्न दूसरा है हमारा दिए गए वाक्यों में सही या गलत निशान लगाइए। पहला पार्ट है बच्चों अध्यापक ने भल्लभ को शाबाशी दी, ठीक है। दूसरा पार्ट है आगे चलकर भल्लभ बापू नाम से मशहूर हुए। तो जो सही होगा सही का निशान लगाना है, जो गलत होगा गलत का निशान लगाना है। ये इसके मार्क्स है 1 मार्क्स का है ये। थर्ड प्रश्न है हमारा शब्दों के बहुवचन रूप पर गोला बनाइए। तो ठीक है, जैसे लड़का, तो मैंने 2 दिए हैं, जो सही होगा उसके ऊपर आपने क्या लगाना है? गोला लगाना है। सड़क, सड़की, सड़कों, ठीक है। पहला है लड़का, लड़के, लड़के, इसके ऊपर बिंदु है और आपने जो सही होगा उसके ऊपर गोला लगाना है। प्रश्न नंबर 4 है रेखा अंकित। रेखा अंकित क्या होता है बच्चों? अंडरलाइन। सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं लिखिए। पहला पार्ट है बच्चों इसका बल्लभ अपने दोस्त से बोला तुम चलो मैं आता हूँ। तुमको मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये तुम किसके लिए आया, ठीक है, तो आपने इसको लिखना है। दूसरा पार्ट है बल्लभ ने अध्यापक से कहा आप चिंता मत कीजिए। तो आप शब्द जो है वो किसके लिए आया है, ये देखो जो मैंने अंडरलाइन किया इधर आपने लिखना है। प्रश्न 5वां है हमारा अब आप 2 शब्दों या वाक्यों को और योजक शब्द से जोड़कर लिखिए। योजक शब्द क्या आता है बेटो? और, जो 2 शब्दों के बीच में लगता है या 2 सेंटेंस 2 वाक्यों के बीच में लगता है। जैसे बल्लभ उसके दोस्त, बल्लभ और दोस्त है, तो बल्लभ और दोस्त के बीच में हम क्या लगाएंगे? और। समझ आ गई ना बच्चों? दूसरा पार्ट है स्कूल, बच्चे स्कूल पहुंचे, खत्म हो गया 1 सेंटेंस। दूसरा क्या है? उन्होंने सारी घटना अध्यापक को सुनाई। तो आपने इनके बीच क्या लगाना है? योजक शब्द क्या है? और लगाना है। प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है हमारा बालक बल्लभ का पूरा नाम पता करके लिखिए। दूसरा प्रश्न है बल्लभ ने सड़क के बीच से पत्थर को क्यों हटाया। नंबर 3रा प्रश्न है अगर आप बल्लभ की जगह होते तो क्या करते। तो बच्चों आपने भी एक सुंदर सी शीट लेनी है, उसके ऊपर आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में पूरा टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपने अपनी मम्मा से चेक करवाना है और जो मिस्टेक्स आएंगी आपने उसको 2-2 टाइम्स लिखना है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।